आप दाल से आप तिलक कर देना, पैर पड़ती है कोई दिक्कत नहीं। इधर इधर आप इधर चल बेटा बैठते जा। वो बेटा वहाँ पे बोरी रखी है, उसमें पैर पहुँच लो, सिलेंडर रखा है वहाँ पे, ला दो बेटा बोरी, जूट वाली बोरी रखी है, जा जल्दी ला दो। आ बेटा आते आ, आ जल्दी आ जा। चल ये सौभाग्य है बेटा, देवी दाई हो ना। चल ये थोड़ा दूर रहो भैया। हाँ अरे वो वाली बोरी लाओ ना बेटा, सिलेंडर के ऊपर रखी बोरी, जूट वाली, जूट वाली बोरी। सब लोग बोलो जब तक, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता। आते आओ बेटा, आते आओ, आते आओ, जय माता दी। आते एक एक करके आते आओ ना बेटा, जल्दी जल्दी बुलाना ना पड़े, आ जाओ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता। आ बेटा आ जाओ, एक एक करके आते आ बेटा, बढ़िया जल्दी जल्दी ऐसे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता, जय माता दी। आ बेटा, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता, जय माता दी, जय माता। आओ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बोरी ला भैया, सिलेंडर के पास बोरी ला बेटा। जय माता दी, जय माता, जय माता दी, जय माता दी। भैया बोरी ला जल्दी। जय माता दी, जय माता दी, जय, बोलो बेटा सब लोग, जय माता जी, जय माता जी, जोर से बोलो। जय माता दी, 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 जय माता, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बताओ कन्याओं की पूजा क्यों कर रहे हैं? देवियां बेटियां हमारी है ना, बेटियां और देवियां, और इनके पूजन से क्या होता है, हमारा मन पवित्र होता है, सबके प्रति, सब हमारी बेटियां हैं, है ना। आज समाज में गंदगी फैल रही है, बेटियों को लोग परेशान करते हैं, है ना, इसलिए जब अपन पूजा, देखो हम पूजा करते हैं जिस बच्चे की, तो उसकी पूजा क्यों करते हैं, पूजा करने लायक होना चाहिए। देवियों की पूजा क्यों होती है, वो उस लायक थी, और आपकी पूजा हम क्यों कर रहे हो, कि कोई गड़बड़ काम आप लोग नहीं करो, आप लोग जो है उस लायक हो ना, ठीक है। परसों जो है बढ़िया आ जाना सब लोग, ठीक है। आप लोग तो पेपर के बाद आप ही करोगे, परसों हमारे पेपर नहीं होंगे, ठीक है ना। पांचवी आ रहे हैं, वो तो रोज ही आ रहे हैं ना बच्चे, तो परसों पेपर नहीं होते, ठीक है ना, स्कूल का करोगे जाकर। तीन तारीख तो टाइल, अरे क्या करोगे तीन तारीख तो टाइल, बताइल 35 तारीख की छुट्टी है मालूम है, मैं छोटी विलायत में आता हूँ, और एक दिन भंडारा करना है नदी में अपन को, कब करना है, संडे को, संडे को देखते हैं, संडे कुछ लोग बाहर से आने वाले हैं आश्रम, अगर नहीं आएंगे तो फिर अपन छोटी विलायत में रहेंगे संडे को, ठीक, अगर आ गए तो फिर अपन को यहाँ रहना पड़ेगा। अभी क्यों बेटा क्या कर रहे भी? राम तब बनी थे, राम हम तो चाहते हैं हमेशा परमानेंट राम बन जाओ, सही है ऐसा।
कभी वस्त्र ना बदलना पड़े, ठीक है। अब यहाँ खींचो फोटो, हम ही काट रहे हैं, तुम यार बताओ। बाबा जी खींच चुके हैं। हाँ, वहाँ से कहाँ दिखेगा, यहाँ लाओ, पास में यहाँ बनाओ, लाओ ना, सुना नहीं देता तुमको। कितना एक्सपर्ट होना चाहिए, है ना, कि बढ़िया जो है बच्चों को एक्टिव होना चाहिए हर चीज में। जैसे छोटे बच्चे को देखते कोई भी चीज उसके सामने होती सीधे उठा के मुंह में डालता हो, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको कौन सी चीज का क्या उपयोग करना है आपको पता होना चाहिए। अष्टमी के दिन क्या बढ़ती, अठवाई बांटना पड़ता है ना, अठवाई की पूजा होती है ना, ठीक है, अठवाई चढ़ाते हैं माता जी को। नो बाबा जी आज आता है, आज अष्टमी है, तो जल्दी किसको किसको है, सभी को जल्दी है नहीं। एक काम करो, और आप लोगों को जो है परसों रहोगे ना सब लोग, ठीक है, तो परसों सब लोग आ जाना, जिसका पेपर हो चाहे ना हो, ठीक है ना। तो आप लोगों को फिर कुछ और व्यवस्था जो बढ़िया है ना, ठीक है माता जी, हम प्रसाद देते हैं ना, पैर पढ़ के प्रसाद लेते हैं बेटा, और खा के निकलते हैं, ठीक है। बाबा जी हम तो चल ली नहीं है। हाँ तो ठीक है, इधर इधर से बोलो, तुम सुना नहीं करते भैया। बाबा जी मैं सोचा इसको बोल रहे हैं, आप चलो, आप ली मधु, हाँ देखो कैसा बोलो, दे उनको दे दो, अरे भैया तुमको इनको बोले देने को सुनाई नहीं, काटो आड़ा कर, बंदे पांच थर दिन रख रे ले जान के, ऐसे पकड़ के जोर पकड़ दे, करे ये तो माता मोबाइल रखा वाले भंडारा का विस्तार करें ना, कोई हम तो कल का सोच रहे थे, तो कल ना करें ना, क्यों माता जी। हाँ तो नहीं तो कल तो रह भाई करेगा, पर छुट्टी रहेगी ना, नहीं आज कल, अरे भैया हमारे डांस, ये हमारी कुटिया में जब तक सब लोग बढ़िया बोलते हैं, बोलो जय माता दी, बढ़िया सब लोग बोलते हैं जय माता दी, जय माता दी, अब जय माता दी, 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 जय माता, जय माता दी, 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 जय माता, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता, आते हैं बेटा, आते हैं सब लोग, आते हैं, जय माता दी, जय माता, आ भैया आप लोग आओ, हमारी साथ पीछे समय, जय माता दी, जय माता दी, जय माता, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बाबा जी देते ना, जय माता दी, 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 जय माता, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बेटा सबको योग है, एक काम करो सब लोग जो है, आओ बेटा एक साथ अपन साथ में बैठ खड़े फोटो बोले, भद्रकाली माता की, भारत माता की जय।
चलिए तो देखो आप लोगों की जो है अभी माता जी के स्थान पर पूजन किया गया आपका सबका, ठीक है। और आप लोग बढ़िया जो अभी आपको प्रसाद मिला है, जो भी माता रानी कृपा से पाइए, और फिर उसके बाद में अगले दिन, ठीक है, आप लोगों का फिर से पूजन होगा, ठीक है, फिर प्रसाद मिलेगा, और प्रसाद के साथ साथ में आपको कुछ ना कुछ माता जी का और अलग से प्रसाद मिलेगा। है तो सब प्रसाद, ठीक है। बोलो धरती माता की जय, भद्रकाली माता की जय, भारत माता की जय, हमारे प्यारे बच्चों की जय, जय हो। किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इसकी आवाज आ रही भी है, इधर से आ रही थी आवाज। हमारी पहचान बन जाते हैं तो फिर आपको आपके नाम से नहीं जानता आदमी, आपके कर्म से जानता। जैसे आपको बोले वो भैया जो कपड़ा वाले हैं भैया, वो जो कंबल वाले भैया हैं, ठीक है, या बोले भैया जो मंदिर में बैठते हैं वो हैं, ये गुण से आपके वैल्यू, आपकी कद्र आपके गुण से होने लगती है। जैसे कई लोग होंगे बोले यार वो जो मिलावट करके बेचता है उसी की बात कर रहे, बोले हाँ हाँ हाँ, है ना। कई बोलेंगे बोले वो जो बहुत ईमानदार आदमी उसकी बात कर, तो आपके गुण ही आपकी धीरे धीरे पहचान बन जाते हैं, बताना नहीं पड़ता। फिर पहले आपको उस काम को करना पड़ेगा, निरंतर आपको उसको मैसेज देना पड़ेगा, संदेश देना पड़ेगा, बार 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 बार। जब आप उसी चीज को करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और धीरे धीरे आप फिर ना बोलें लेकिन दूसरा कोई जो है बोलेगा ये व्यक्ति इस गुण का है, ये व्यक्ति इस गुण का है, उसके लिए। लेकिन संघर्ष ही रहता है, जब तक संघर्ष नहीं करेंगे, वो 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल प्रति समय लगता है, और जब समय लगता परिपक्व होता, जब फल पक जाता है, लगा है ना, कब से लगा, 4 महीने हो गए पपीता लगे, अभी नहीं पका, लेकिन जब पकेगा तो पता नहीं कितने लोगों का मुंह मीठा करेगा, कितने लोगों का आनंद करेगा। पपीता का गुण क्या है, उसका गुण है उसका मीठापन, ठीक है ना, स्वाद उसका मीठा है, गुण उसके अंदर जो ऊर्जा भरी हुई है, उसके अंदर जो ताकत भरी हुई है, वो उसका गुण। तो कुल मिलाकर के हमारे अंदर क्या गुण है, हमारी पहचान बने इस बात का, हमको लोग क्यों जाने, हमारे बारे में लोग क्या जाने, हमारे बारे में लोग इतना तो जाने, इस व्यक्ति के द्वारा किसी का नुकसान नहीं होगा, इस व्यक्ति के द्वारा लोगों का लाभ। रामचंद्र जी को क्यों चाहते थे लोग राजा बनाना, रामचंद्र जी को लोग राजा बनाना इसीलिए चाहते थे कि राम में गुण ही गुण थे, राम जी का किसी से स्वार्थ नहीं था, राम जी हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचते थे, किसी से पाने की इच्छा नहीं करते थे। और हम सबको ही तो राम जैसा बनना है, राम ही क्यों ना बन जाए, जब बनना हमारे हाथ में है तो राम बने ना, हम रावण क्यों बनने का प्रयास करें। तो ये हमारे गुण से हमारी पहचान होनी चाहिए। बोले भारत माता की जय, सियावर रामचंद्र की जय, बोले भद्रकाली माता की जय, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारतीयो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, भारतीयो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, माँ भीड़ पड़ी है भारी, दोनों दल पर ढूंढ पड़ो माँ घर के सिंह सवारी, माँ घर के सिंह सवारी, सौ सौ सिंहों से बलशाली, अक्षय हो जाओ
वाली पुष्पों पल में संधारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे गाय जग में बड़ाए निर्मल माता, माँ बड़ाए निर्मल माता पुत्र कपूत सुने करना माता सुनी कुमाता ना माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा दर्शाने वाली अमृत बरसाने वाली दुखियों के दुख लेने वारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही घोड़े गाए वारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन दौलत ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे मात्र मन में एक छोटा सा कोना। माँ एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली सखियों के सत्य को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। कर पुकारम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। శ్రీవంతి గాపకుల చంపక పాటలాద్యపున్న నాగజాతి కరివీలు రసాలు పుష్పై బల్వ ప్రభాల తులసీ దళ మంజరి విహితాం పూజయామి పరమేశ్వరి మే ప్రసీదం నానాసుగంధి పుష్పాణి యథా కాలోద్భవాని చౌ పుష్పాంజలి రమయాశ్చౌ గ్రహాణ పరమేశ్వరి మంత్ర పుష్పాంజలిం సమర్పయామి। खड़गम चक्र गदे सुचारु परिघान चूलम मुसुंडी सराम संकम संतरतीकरस्त्र नयनाहम सर्वांग भूषावृतां नीलासमद्युतिमास पादरस्कां सेवी महाकालिकां यामस्ते सुपते हरौ कमलजो हन्तं मधुकैटभम अक्षस्तर्पणसं गदेशुकुलसं पद्मं नरसकुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पार्श्वदर्शने च दस्ती हस्तैः प्रसन्नाननीं सेवी सैरवमर्दनीं हि महालक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टाशूलहलादिसङ्घमुसले चक्रं धनुषायकं हस्तभ्याधर्ति घनन्तविलसच्चीतांशतुल्यप्रभां गौरीदेहसमद्भुवां त्र्यक्तामाधारभूतामहां पूर्वामत्र सरस्वती मन्वजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीं आवाहनं न जानामि न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तरस्तु मे अपराधसदं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत या गतिं संवाप्नोति न तां ब्रह्मादयासुरां सापराधोऽसि शरणं प्राप्तस्तुं जगदम्बके इदानीमनुकम्प्यूहं यतीच्छसि तथा कुरु आज्ञानादस्मृते भ्रान्तो यन्नूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानन्द विग्रहे ग्रहाण चर्मे मां प्रीत्वा प्रसीद परमेश्वरी गुह्यात गुह्य गोत्रीत्वं ग्रहाणमस्कृतं जपं सिद्ध्रमं देवी तत्प्रसादां महेश्वरी। प्रिय महाकाली मैया की जय। लक्ष्मी मैया की जय। ये जो अग्नि दिख रही है ये महुओं के पेड़ के नीचे पत्तों को जलाने के लिए रात में जो अग्नि जला दी जाती है ये वो अग्नि है। कुछ अलग दिख रहा था इसलिए हमने इसको बोले। भद्रकाली माता की, भारत माता की और हमारी सभी देवियों की। देखो आज है अष्टमी है ना, और देखो अष्टमी के दिन जो है हमारी सभी देवियां, अभी और कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग अभी आएंगे, कुछ लोग आते आते रहेंगे ना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, देवियों की पूजा क्यों होती है भैया? क्योंकि बिना देवी के जो है संसार चल नहीं सकता। सबसे बड़ी देवी कौन है? धरती माता। अभी अपन बात कर रहे थे ना, तो धरती माता जो है सबसे बड़ी देवी हैं, इसलिए धरती माता का हमको सदा क्या है, सम्मान रखना है, सदा ध्यान रखना है, सदा पूजन करना है। ठीक है, अभी जो है अपनी बेटियों के हम जो है पैर धुलेंगे और माता जी देखो तिलक करेंगी। माता जी भी ये है ना आ गई, महक की मम्मी जी है, पहचानते हो? अच्छा आप नहीं जानते हो, आप तो छोटी विलायत में रहते हो ना। चलिए
सीताराम सीताराम। बहुत बढ़िया, बोलो सीताराम सीताराम, 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 सीताराम सीताराम।